नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। करनाल के जिला बाल कल्याण परिषद बाल भवन की ओर से बाल दिवस के उपलक्ष्य में करवाई गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इन विजेताओं को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने विजेताओं को पुरस्कार दिए एवं बाल भवन से जुड़ी संस्थाओं के लोगों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल कल्याण परिषद की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें अब आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में चहुमुखी प्रतिमा को निकाल कर बाहर लाने का रहता है। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को राज्य स्तर पर कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा एवं राज्य स्तर पर जो भी विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करेगा, वहीं इस मौके पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जानकारी दीजिए। आज बाल दिवस 2020 हमने मनाया है और कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बच्चों के कराए गए थे। उसमें जो भी विजेता बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप 9वीं से 12वीं क्लास तक की थी, उनको आज हमने बच्चों को यहाँ बुला करके उनको सम्मानित किया है। तो मैं पूरी जो जिला बाल कल्याण परिषद है उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लगभग 34,000 बच्चों ने उसमें भाग लिया और 450 के करीब बच्चों को हमने अवार्ड के लिए चुना है और उनमें से आज 106 बच्चों को हमने सम्मानित किया है। बाकी बच्चों को भी आने वाले समय में उनके घर पे ही कोशिश करेंगे या उनके स्कूल्स में उनको जो सम्मान के प्रतीक के रूप में जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे। उम्मीद थी सर कि इतने बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था, और लेकिन चूँकि पहले भी हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कराते रहे हैं और अभिभावकों ने और बच्चों ने बड़ा जोश के साथ भाग लिया है, और ये इसमें 34,000 बच्चों का भाग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कराते रहें ताकि बच्चों की प्रतियोगिता के जरिए उनकी जो स्किल सेट है उसको निखारते रहें। सर, इसके बाद स्टेट लेवल का प्रोग्राम भी? जी बिल्कुल, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन भी पैरेलली जितनी भी एंट्रीज आई हैं उसमें स्टेट लेवल पर भी अब अवार्ड किया फंक्शन होगा और उसमें हमारे करनाल के भी बच्चे निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे और जिनको स्टेट लेवल पे भी माननीय गवर्नर साहब के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए सर विनर प्राइज के लिए, वो उनका श्रेय किसको जाता है सर? मैं उनको सबसे पहले तो बधाई दूंगा। उनका श्रेय निश्चित रूप से उनकी मेहनत को, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकगणों को जाता है और उनसे मैं अपील करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.